शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुलसी, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, किंतु तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि व्याधराज के सम्मुख जाते ही वो अपने क्रोध से तुम्हारी कुंडली में मृत्यु का योग निर्मित कर देगा। असंभव, ये नहीं हो सकता। क्या बात है ऋषिवर, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अनर्थ, ये भयंकर अनर्थ है प्रभु। आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं ऋषिवर? महागण, तुम्हारे जन्म काल और जीवन के उद्देश्य के कारण जिस कुंडली का निर्माण हुआ है वो महाकाल की कुंडली के समकक्ष है। उस महादेव की कुंडली के समकक्ष है जिसका न कोई आदि है न अंत। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है ऋषिवर? मैं महादेव का अंश हूं, और यदि मेरी कुंडली महादेव के समकक्ष है तो इसमें समस्या की क्या बात है? समस्या ये है महागण कि महादेव का वैवाहिक संबंध आदि से अंत तक केवल केवल माता पार्वती के साथ जुड़ा हुआ है। इस कुंडली के साथ तुम्हारा विवाह देवी रति के साथ तो क्या ब्रह्मांड की किसी भी स्त्री के साथ नहीं हो सकता। लड्डू गोपाल, ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? महागण, ऋषिवर वही कह रहे हैं जो तुम्हारी कुंडली कह रही है। तुम्हारा जन्म देवी रति और कामदेव की रक्षा के लिए हुआ था, पर तुम अपने उद्देश्य से भटक गए। अपने धर्म के विरुद्ध जाकर उसी से विवाह करना चाहते हो जिसकी रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा था। लड्डू गोपाल, अपने उत्तरदायित्व का जितना पालन करना था उतना मैं कर चुका, और मुझे अपने जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, और ये तभी संभव है जब मेरा विवाह देवी रति से होगा। यदि तुमने देवी रति से विवाह किया तो संसार नष्ट हो जाएगा, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, और साथ ही समाप्त हो जाओगे तुम भी। लड्डू गोपाल, आपके पास तो हर समस्या का समाधान होता है, तो बताइए मुझे क्या है इस समस्या का समाधान? कैसे हो सकता है देवी रति से मेरा विवाह? इसका तो एक ही मार्ग है महागण, कि तुम्हें स्वयं को महादेव से अलग होना होगा, क्योंकि महादेव से अलग होने के पश्चात ही तुम्हारी कुंडली अलग हो सकती है और तुम्हारा देवी रति से विवाह हो सकता है। लड्डू गोपाल, देवी रति से विवाह करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु जिस महादेव से मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है उसे मैं अपने आप को कैसे अलग कर सकता हूँ? ये तो केवल महादेव ही कर सकते हैं महागण, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस कार्य के लिए मैं स्वयं निवेदन करूंगा महादेव से। प्रभु, मैं तो आशा ही खो बैठी थी, किंतु अब महादेव से भिन्न होते ही महागण की समस्त शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और उसका अस्तित्व भी। आप धन्य हैं प्रभु, और धन्य है आपकी लीला। पुत्र, ना हमें अपने जीवन की चिंता है और ना ही मृत्यु की, हमें चिंता है तो केवल अपने धर्म की, और इस समय हमारा धर्म है मनोहर की रक्षा करना, व्याधराज को उनके श्राप से मुक्त कराना, और हम ये करके रहेंगे पूतना, क्योंकि हमारी भक्ति हमारे साथ है,
हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ है। तुलसी तुम्हें शायद ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे उस लड्डू गोपाल ने मुझे नरक कूप में बंदी बना दिया था, कि तुम मैं उस नरक कूप से भी बाहर आ गई, और इसीलिए अब मैं पूतना नहीं अपितु महाराज बलि की पुत्री और असुरों की देवी रत्नमाला हूँ। तुम चाहे जो भी बन जाओ, पर हमें हमारा कर्म करने से नहीं रोक सकती, हमारे धर्म को पराजित नहीं कर सकती। तो ठीक है, फिर रत्नमाला की शक्ति का आभास कराना ही होगा। क्या हुआ पूतना, कहीं तुम्हारे अधर्म की शक्ति समाप्त तो नहीं हो गई? मेरी शक्तियां कार्य क्यों नहीं कर रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? यदि यहां से मुक्त होने के पश्चात तुमने कोई अधर्म किया, यदि भक्त भगवान और भक्ति के लिए तुम संकट बनी, तो तुम्हारी शक्तियां छिन्न हो जाएंगी। हार मान जाओ पूतना, क्योंकि अधर्म सदा धर्म के आगे इसी तरह शक्तिहीन हो जाता है। मुझे तुम्हारा अंत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अंत तो उस व्याध के हाथों पहले से ही निश्चित है, और उसी व्याध के हाथों तुम्हारा अंत हो ये मैं निश्चित करके रहूंगी। लड्डू गोपाल की कृपा से पूतना तो असफल हो गई, पर हमें अब भी ज्ञात नहीं कि हम व्याध राज तक पहुंचेंगे कैसे। तुलसी, ये कैसी शक्ति थी जिसने मुझे अचेत कर दिया? भीमा जी, पूतना आई थी हमें रोकने, पर आप पूतना के आने से पहले हमें व्याधराज का क्रोध शांत करने का मार्ग बता रहे थे। हाँ, मेरे पूर्वज कहते थे, और मैंने भी देखा है, जब भी उनके लिए भोजन लेकर जाओ तो कुछ देर के लिए शांत रहते हैं, और जैसे ही भोजन समाप्त होता है वो फिर से उनका वही रुद्र रूप। इसका अर्थ है कि उन्हें भोजन से तृप्ति मिलती है, तो हम लड्डू गोपाल का प्रिय भोग उनके लिए लेकर जाएंगे, इससे उनकी आत्मा तृप्त होगी और हम उनकी मुक्ति का मार्ग ढूंढ पाएंगे। यदि ये बात है तो भोग की व्यवस्था मैं करता हूँ। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।